गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स 10th बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस बहुत बार कर चुके हैं। आज मैं उसकी वर्कशीट दे रही हूँ, वो आपको खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। वर्कशीट सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। मैं आपको क्वेश्चंस के मीनिंग समझा देती हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन द डाइजेशन, किसका क्या रोल है। ट्रिप्सिन का क्या रोल है डाइजेशन में, HCL का क्या रोल है, बाइल का रोल बताना है आपको, इंटेस्टाइनल जूस का। नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन। इसमें हमें क्या बतानी है, टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन जो कि एंड प्रोडक्ट्स में यूज हो रही है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लैक्टिक एसिड। गिव वन एग्जांपल ईच केस वेयर सच रेस्पिरेशन कैन अकर। जो रेस्पिरेशन हो रही है इनमें आपको एक एक एग्जाम्पल लाइक कर। नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। एक एग्जाम्पल दो ईच एंड एवरी केस में, सॉरी, नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। कौन सा सब्सटेंस का नेम बताना है जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, और उनके फंक्शन बताने हैं। व्हाई डज रॉ ब्रेड टेस्ट स्वीट आफ्टर च्यूइंग इन द माउथ। अगर हम रॉ ब्रेड को खाते हैं वो हमें मीठी क्यों लगती है च्यू करने के बाद। वेयर इज बाइल सिक्रीटेड फ्रॉम, बाइल कैसे सिक्रीट हो रहा है फ्रॉम, व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। गिव वन वर्ड फॉर गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड वेट फ्रॉम द बॉडी। मूवमेंट ऑफ द फूड मॉलिक्यूल्स इन टू ब्लड, जो मूवमेंट है फूड मॉलिक्यूल्स की वो ब्लड में हो रही है। आगे देखो स्टूडेंट, वेयर डू यू फाइंड स्टोमेटा एंड द लेंटिसल्स। आपको स्टोमेटा और लेंटिसल्स कहाँ से, ओके। फाइंड फूड मूव्स डाउन द गट बाय द पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। जो कि फूड मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, डाउन द गट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल दिस मूवमेंट, कौन सा ब्रेन का पार्ट इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फोर चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट हैव थिकेस्ट मसल, कौन सा चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट जिसमें थिकेस्ट क्या है, मस्कुलर वॉल है। Why is not advisable to give excess water to water plants? बहुत excess में पानी क्यों नहीं देना चाहिए water plants को। Next question है, which one of the organ performs the following function in the human? कौन सा organ perform करता है बहुत सारे functions in the human, like absorption of food and the absorption of the water. राइट वन फीचर विच इज कॉमन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक फीचर बताना है जो कि कॉमन है किसमें, देखो ग्लाइकोजन एंड स्टार्च में, क्लोरोफिल एंड दी हीमोग्लोबिन। वाई डज नॉट द लंग्स कोलैप्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन तो जो लंग्स हैं वो कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं। अ पर्टिकुलर टिश्यू ब्लॉक एंड द लीव्स स्टार्ट टू विल, लीव्स के साथ गिरना शुरू हो जाती है। Identify the tissue that got blocked, जो ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, हाउ वुड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स बी अफेक्टेड इफ देयर वॉज अ ब्लैकेट इन द बाइलर। वो बोलता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स कैसे अफेक्ट होती है अगर वहाँ पे ब्लॉकेट हो बाइलर। आगे देखो, विच फ्लूड इन द ह्यूमन बॉडी वेट्स द इंटरनल ऑर्गन, ओके। इन विच डायरेक्शन लिम्फ ट्रेवल, हाउ डज द प्लांट कॉप अप विद द लैक ऑफ वाटर इन डेजर्ट कंडीशन, जो प्लांट है वो कैसे कॉप अप करता है जब क्या होता है डेजर्ट कंडीशन में वाटर की कमी होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पल्स, पल्स क्या होती है। इज द फूड वैक्यूल इन द अमीबा टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और परमानेंट स्ट्रक्चर। व्हाई इज कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड इन द डिजॉल्व फ्रॉम इट द ब्लड देन द ऑक्सीजन, ओके। डिफरेंस में डायस्टोल सिस्टोल। आगे देखो स्टूडेंट, हाउ डज द वाटर एंटर इन टू फूड रूट सेल्स फ्रॉम द सॉयल, वाटर कैसे एंटर करता है रूट सेल सॉयल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, नेम द वेरियस वेज ऑफ एक्सक्रीशन बाय प्लांट्स। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लड इन विच कॉम्पोनेंट क्या है प्रेजेंट है। नेम द सब्सटेंस विच आर रीअब्जॉर्ब, जो कि रीअब्जॉर्ब है फ्रॉम द यूरिन बिफोर पासिंग इन टू यूरिनरी ब्लैडर। आगे है,
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, व्हाट इज अ डायलिसिस एंड व्हाट इज अ बोमेंस कैप्सूल। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको क्वेश्चन सारे बता दिए हैं, आज आपको ये सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना प्रिपेयर है। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।